हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज मैं बताने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 से एक मेथड बताने वाला हूं। उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमने एक एग्जांपल ले लिया है और इसको सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या जो हमने इक्वेशन लिया वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल, वो इस तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। a1x + b1y = c1। दूसरा क्या है आपका, a2x + b2y = c2। इस तरह अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में है तो हम इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे। अब इसको विलोपन विधि जो है, एलिमिनेशन मेथड है, उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। बिलीव करिए, टफ से टफ क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप 5 मिनट में सॉल्व करोगे, लेकिन उसके पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये सवाल। इसमें हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। हम इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड वेरिएबल्स हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, तो उनकी वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी फर्स्ट स्टेप होती है, स्टेप फर्स्ट में आपको ध्यान देना है कि जो हमारा वेरिएबल एक्स है, तो दोनों इक्वेशन जो तो हमारे इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, उन दोनों जो हमारा एक्स वेरिएबल है उनके कोफिशियंट जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। नहीं समझ में आया? देखिए, हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। अब इनके सामने जो वैल्यू है 8 और 3, ये क्या दोनों इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है तो हमको इनको इक्वल करना, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन मेथड। इन द सेंस विलोपन विधि, इन द सेंस क्या करना है, विलुप्त करना है एक वेरिएबल को। जब आप फर्स्ट वेरिएबल या सेकंड वेरिएबल किसी दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट स्टेप में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं और देन आपकी सेकंड जो वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे कि फर्स्ट वेरिएबल, अगर देखिए समझिए, 3 टाइम 2 अगर इसके साथ कर दूं कितना हो जाएगा 24, और 8 टाइम 2 इसके साथ कर दूं कितना हो जाएगा 24। बहुत अच्छा, बहुत समझ में आ गया आपको। तो हम क्या किए, हमने क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 8 का मल्टीप्लाई करने में ध्यान देना, इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे इक्वेशन में होगा और 8 का मल्टीप्लिकेशन पूरे इक्वेशन में होगा। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, v मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 8 वी गेट। देखिए एकदम स्टेप स्टेप आराम आराम से समझिए, जिससे कि एक बार में ही पूरा का पूरा समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने से लगाओगे। ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरे में करना, ध्यान देना, कभी भी कुछ लोग गलती कर देते हैं कि इसका मल्टीप्लाई केवल इसमें कर देते हैं, ऐसा नहीं, पूरे में होगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना होगा 24x। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये इक्वेशन आपकी हो गई थर्ड। ठीक है, और इसमें इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप, 8 का करेंगे। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, फिर 8 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए, फिर 8 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए। बहुत अच्छा समझ में आ गया, मैं इसमें भी बता दूं आपको, पहले 8 का मल्टीप्लाई इससे किया, फिर 8 का मल्टीप्लाई इससे किया, फिर 8 का मल्टीप्लाई इससे किया। बहुत आसान है, बस स्टेप फॉलो करते रहिए आप, पूरा का पूरा बनेगा। 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 24x
8 मल्टीप्लाई से करोगे तो आपको 16 बाय 8 मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 32। इक्वेशन ये हो गई आपकी 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप, सब्सट्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सट्रेट। सब्सट्रेट का मतलब होता है घटाने पर, घटाने पर, ये घटाने पर, ठीक है। अब यहां पे ये अगर पॉजिटिव है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और यहां पर ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहां पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए अगर किसी भी माइनस का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दोगे तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको बता दूं कि अगर अगर माइनस इंटू माइनस करोगे आप तो प्लस हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस हो जाता है। इंटू है, ये चीज आपको कंसेप्ट होगा। और एक चीज बता दो, अगर इंटू है तो इक्वल टू उस साइड जाएगा, इक्वल टू बिहाइंड जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है, रूट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ आप सॉल्व कर रहे हो तो इतनी चीजें जो आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे 24, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे 15 जो हमारा 15 बाई पॉजिटिव है, और यहाँ पे 16 बाई पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितने बाई बचे, माइनस वन बाई रिमेनिंग आ गया आपका। अगर इसको सब्ट्रैक्शन करोगे आप, घटाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 32 निगेटिव है और 27 क्या है आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है माइनस 5 आ रहा है। तो यहां से वैल्यू जो हमारी वैल्यू निकल के आई है y इक्वल टू 5 आ रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दो स्टेप में आपका सवाल बनेगा, दो स्टेप में हमें बढ़िया दीजिए। स्टेप सेकंड आपकी क्या रहेगी, स्टेप सेकंड में अब जो y की वैल्यू निकल कर आई है उसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, फर्स्ट या सेकंड किसी भी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर चमकता हुआ आ जाएगा। देखिए कैसे, अब इसमें आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट, या आप सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड v है, जब आपसे बनने लगेगा पूरी स्टेप फॉलो हो जाएगी तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 8x, ठीक है 5 लिखा, और ये बाई के प्लेस पे हमारी वैल्यू क्या आई है 5, तो हम y के प्लेस पे क्या लिख देंगे 5। देखिए जब भी वैल्यू आप पुट करें तो ब्रैकेट लगाना ना भूले, इससे गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो यार यहां पे हो गया 9, यहां पे आ गया आपका 8x + 25 = 9, 8x = 9 - 25। जी हां दोस्तों, आपको समझ में आने लगा होगा कि यहां पर, सॉरी यहाँ पर 25 है पॉजिटिव, लेकिन बिहाइंड इक्वल गया, इक्वल के उस साइड गया तो क्या होगा माइनस हो गया। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना जाएगा 8x माइनस 16, x इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस 16 अपॉन 8 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकल के क्या आ गया कि माइनस 2। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज एक्स
इक्वल टू माइनस टू एंड y इक्वल टू फाइव, ये रहे आपके आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको भी आप करिए प्रैक्टिस और बनाइए। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को हमारा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।